कि गोरखपुरिया दीदी आप बात को जानती हैं, आप तक मेरी बात पहुंच रही है, तो सच्चाई क्या है आप बताइए। तो हेलो दोस्तों, इस चैनल में स्वागत है और हम अपने मायके में हैं, वहाँ मेरा भाई है। हम लोग आए थे घूमने बाग में, घर पे नेट नहीं चल रहा है तो आए थे, मजबूर हैं कि हमारा वीडियो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे फ़ोन में MB नहीं, नेट नहीं चल रहा है, हमारे घर पे नेट नहीं चल रहा है। तो दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग से क्या कहेंगे कि आप लोग तो हम ही को गलत बनाए हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि गोरखपुरिया दीदी आप बात को जानती हैं, आप तक मेरी बात पहुंच रही है, तो सच्चाई क्या है आप बताइए, सच्चाई क्या है आप ज़रूर बताइएगा, आप ज़रूर बताइए सच्चाई मेरे बातें में कितनी है, आप ज़रूर बताइएगा। आपसे यही कहेंगे कि मुझे इंसाफ दिलवाइए मेरे वीडियो को। आप दोस्तों आप लोग देखिए चाहे मत देखिए मेरे वीडियो को, गोरखपुरिया भौजी तक मेरा वीडियो पहुंचा दीजिए। हम उनसे आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आज गुहार कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे चरित्र पे दाग लग रहा है, तो हम यही कहेंगे। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, वीडियो कट गया होगा क्योंकि लोग आते जाते रह रहे हैं तो वीडियो काटना पड़ रहा है। तो दोस्तों मेरे चरित्र पे दाग लगाया जा रहा है, हम जो कि ऐसा लाछन लगाया जा रहा है कि हम कभी जी नहीं पाएंगे खुद से। तो हम ये कहेंगे कि गोरखपुरिया दीदी आप मेरा सपोर्ट करिए, गोरखपुरिया भौजी आप मेरा सपोर्ट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम सोचे थे कि ऐसे हमारे साथ जो मेरा पति था वो मेरे साथ ऐसा कर सकता, हम कभी नहीं सोचे थे कि अपने बीवी को इतना बदनाम कर देगा, क्योंकि एक लड़की के वजह से वो चाहता है कि मालती को बदनाम कर देंगे तो मालती हमसे छूट जाएगी, मुझे तलाक देके चली जाएगी। मेन उसका मोटिव यही था, क्योंकि ये सब बातें हम आपसे बताए हैं दीदी, फ़ोन में बताए थे, आपका नंबर मांगे थे किसी से, तो आपको सारी बातें बताए हैं। क्यों आप चुप हैं? आपकी बहन की, मैं आपकी कुछ भी हूँ, आपकी बहन की बेइज्जती हो रही है, मेरे चरित्र पे लाछन लगाया जा रहा है। कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और, कैसे उसके पति सबको छोड़ देंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? मेरे पास किसी का सहारा नहीं है और हम गलत नहीं है, मेरा इंसाफ दिलवाइए। आपसे यही कहेंगे, मुझे इंसाफ दिलवाइए, मेरे लिए आप कुछ करिए दीदी, नहीं तो हम लोग मरने पे मजबूर हो जाएंगे। दीदी आपसे यही कहेंगे कि मेरे वीडियो को आप लोग उन तक पहुंचा दीजिए, जो सबका हेल्प करती हैं वो मेरा हेल्प करेंगी, मुझे इतना पता है मेरा हेल्प ज़रूर होगा। तो यही कहेंगे कि मेरा वीडियो उन तक ज़रूर पहुंच जाए। आप लोग से यही छोटी सी विनती है कि दीदी मेरे वीडियो, हमारे पास आपका नंबर नहीं है इसीलिए हम आपको बता नहीं पाए मैटर क्या था क्या नहीं है, मैटर कुछ नहीं है, बस मुझे बदनाम किया जा रहा है और यही मैटर है। तो आप लोग, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को गोरखपुरिया भौजी तक मेरा वीडियो पहुंच जाना चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं कहेंगे नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे।